स्टूडियो विद मी रणबीर कपूर एंड दीपिका पादुकोण. सुना है कि आपका फेवरेट गाना है अगर तुम साथ हो. ये आपने कैसे सुना? सुन लिया. मार्केट में खबर है. डू यू थिंक कि रिलीज के बाद गाने और पिकअप करेंगे? जब रहमान सर म्यूजिक देते हैं तो हर गाने में कोई बात होती है, हर गाने में एक गाने की जर्नी होती है. फ्यू सिंगर्स आर जस्ट ब्लेस्ड विद अ सर्टेन वॉइस क्वालिटी, दे माइट नॉट बी वेरी ट्रेंड, यू नो, उनकी अंदाज या उनकी गायकी में इतना कुछ मैजिक शायद नहीं है. बट आई थिंक एक भगवान की जो देन है, जो आवाज़ की क्वालिटी है, जैसे मोहित चौहान, लकी अली. मेरा सौभाग्य, यू नो, कि एज एन सौभाग्य मेरी खुशकिस्मती है. You know, as an actor, you always search for Ishaan, Ishaan. Kamal. आप लोगों के चारों तरफ बड़े सारे yes man type के लोग हमेशा रहते हैं. जब लोग ऐसे तमाशा करते हैं आपके आसपास, तो आप पहचान लेते हो कि कौन सा सच बोल रहा है, कौन सा झूठ बोल रहा है? I think with age and with time and with experience, what really matters is not the praise, but actually the journey of what you're doing. You know, the hard work that you're putting in. सब कुल मिला के. कुल मिला के क्या मतलब? हिंदी तो आज माशा अल्लाह रणबीर, नेक्स्ट लेवल अमेजिंग. रणबीर, आपने अभी ये भी कहा कि आपको आजकल दीपिका से डर लग रहा है क्योंकि उनकी एक्टिंग प्रावेस स्ट्रॉन्ग हो गई है. प्रावेस को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षमता. 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 तो उनकी अदाकारी की क्षमता इतनी, इनकी कला में जो कलाकारी आ गई है, इनकी जो इनकी आवाज़ में जो कारीगरी आ गई है, इनकी इनकी पर्सनालिटी में जो जो चमक रही है अभी बड़े पर्दे पर, तो इसको सब लेकर मैं बहुत ही सरप्राइज था. कैसे, कब आपको ये सरप्राइज लगा था? जब हम ये जवानी है दीवानी में काम कर रहे थे, आई थिंक एक ऐसी एक्टर मेरे सामने खड़ी थी जो इतनी चैलेंज कर रही थी, यू नो, विथ एवरी लाइन, विथ एवरी पॉज, विथ एवरी इमोशन, कि यू एज एन एक्टर इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग यू आर रिएक्टिंग टू द फैक्ट, अरे यार इसने ये कैसे किया. बिकॉज यू हैड दैट वन सेकेंड एंड माइन्यूट सेकेंड इन योर ब्रेन कि अरे ये क्या हुआ. और यू नो, इट वॉज सच अ न्यू एक्सप्रेशन, इट वॉज इन क्लीशे, इट वॉज सो हार्ट फेल्ट, एंड आई डोंट थिंक सो एन एक्टर कैन बी 7 feet टॉल, एन एक्टर कैन बी 2 feet टॉल, बट द हार्ट and the bearing of the emotion is what matters, and I think Deepika is really bearing herself. Khushi ke aansu, uske aansu bhi motiyan tapakte hain. Bas yaar, bas aansu ki jagah bhi moti tapakte hain. How nice, what a lovely thing to say. Very good. Now that you said good things about each other, ab mujhe ye bataiye, kabhi a pact before the release that we are only going to say good things about each other. Hai na, achhi achhi baatein bolenge ek dusre ko, aur jo bhi kahenge jhoot ke kahenge, aur jhoot ke siwa kuch nahi kahenge. Because what happens in Radio City stays in Radio City.